वेलकम दोस्तों, रीति नेटवर्क चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि राउटर कितने प्रकार के होते हैं और आपको कौन सा राउटर लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, अपने स्पीड इंटरनेट के एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा और बेहतर बनाने के लिए। तो कुछ हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में कुछ राउटर्स लाए हैं, जिसको आप देखो। अभी हम एक एक के बारे में डिटेल में बताएंगे, डिस्क्रिप्शन के साथ कौन सा आपके लिए ज़रूरी है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। जब भी नया कनेक्शन लेना हो या अपग्रेड करना हो आपको, तो आप ये कन्फ्यूज़न में ना रहे कि मैं राउटर कौन सा लूँ और कौन सा ना लूँ, कौन सा मेरे लिए बेनिफिट है, कौन सा नहीं है। या कॉस्ट जब खर्चा करना होता है, पेमेंट करनी होती है, तो एक ही बार में आप पेमेंट करके आप लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए बार बार खर्चा करने से बच सकते हैं। ये तो अभी आप देखिए, ये रहा राउटर्स हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं डिस्प्ले पे। आपको एक जो चीज़ है, ये है हमारा राउटर, सबसे छोटा राउटर, सबसे पहला राउटर जो है 300 Mbps का इसका। और दूसरा राउटर डुअल बैंड है ये हमारा, जो डुअल फ्रिक्वेंसी भी सपोर्ट करता है 5 GHz की स्पीड पे, वायरलेस की स्पीड के लिए। और ये है गीगाबिट का। ये हम एग्जांपल बता रहे हैं, आप कंपनी कोई सी भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट कौन से बेस्ट होते हैं वो इसी में दिखते हैं। ये हमारा गीगाबिट है, जो एक आपकी 100 Mbps से लेके ऊपर से लेके 1 Gbps, मतलब 1000 Mbps का सपोर्ट करता है। और ये एक और राउटर है जो फाइबर कनेक्टिविटी राउटर है। ये सारे तीनों राउटर हमारे हैं नॉर्मल राउटर, एथरनेट केबल के साथ सपोर्ट करते हैं, इस पर यूज़ होता है। और ये है फाइबर राउटर, जो डायरेक्ट फाइबर कनेक्टिविटी के लिए, FTTH के लिए यूज़ होता है। सेम दूसरा ऐसे ही उसमें भी एक राउटर्स आते हैं, एक ये राउटर, एक इससे ऊपर का भी राउटर है 300 Mbps का। तो इसमें भी तीन टाइप के राउटर्स हैं जो फाइबर 2X FTTH पे सपोर्ट करते हैं। अब इसके हम बारे में, एक के बारे में डिटेल में बताएंगे राउटर के बारे में आपको। तो स्टे ट्यून, हमारे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में आपको हर एक राउटर के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ बताया जाएगा, एक एक राउटर के बारे में, कि आपको कौन सा लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए।